हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी शायोमी की, जिसने आज के समय में मोबाइल मार्केट की दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। और इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि इस कंपनी के मोबाइल फोन्स में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स बहुत ही सस्ते दामों पर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए कुछ सालों पहले शुरू हुई इस कंपनी ने पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना ली है। शायोमी मौजूदा समय में स्मार्टफोन्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोग इसे चाइना का एप्पल भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ ही सालों में स्मार्टफोन्स की दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ने वाली शाओमी कंपनी की स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 1969 से, जब चाइना के एक शहर में ली जून का जन्म हुआ। अपनी पढ़ाई वुहान यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद 1992 में ली ने किंग सॉफ्ट कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया, और फिर 1998 आते आते वे उस कंपनी के सीईओ बन गए। ली ने अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल कर लिया था। अगले दो सालों के बाद ली ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया जिसका नाम था zoyo.com। ली की यह वेबसाइट भी खूब चली, और फिर 2004 में उन्होंने इस वेबसाइट को amazon.com को बेच दिया, जिसके लिए उन्हें अमेजोन ने $75 मिलियन पे किए थे। दोस्तों अब बारी थी कुछ नया करने की। 6 अप्रैल 2010 को ली ने 7 लोगों के साथ शाओमी कंपनी की शुरुआत की। दरअसल यह कंपनी शुरू में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर स्टार्ट की गई थी, जो गूगल एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम रोम बनाती थी। फिर इसका बनाया हुआ MIUI फर्मवेयर काफी सफल हुआ। आगे चलकर शाओमी ने 2011 में हार्डवेयर फील्ड में भी कदम बढ़ाया, और फिर MI1 नाम के साथ उन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन पेश किया, जिसे लोगों के द्वारा जबरदस्त रिस्पांस मिला। और फिर इसी सफलता को देखते हुए शाओमी अगले ही साल MI2 नाम के साथ एक और स्मार्टफोन लाया। इस फोन के 10 मिलियन यूनिट सिर्फ 11 महीनों में ही बिक गए। इसके अलावा MI2 स्मार्टफोन को मोबी सिटी कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US और UK में भी बेचा गया। देखते ही देखते 2014 के अंत तक शाओमी कंपनी की वैल्यूएशन $45 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। शाओमी कंपनी ने भारत में पहली बार जुलाई 2014 में दस्तक दी, और फिर 2015 में MI4i नाम के साथ उन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो कि भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हुआ। और इस फोन के 1 लाख यूनिट सिर्फ 4.2 सेकंड में ही बिक गए। बस यहां से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक के बाद एक कई नए रिकॉर्ड्स बनाती गई, और शाओमी के बहुत सारे सफल फोन्स मार्केट में आते रहे। और हाल ही लॉन्च किया गया रेडमी नोट 5 प्रो शाओमी का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन चुका है। इसके अलावा शाओमी कंपनी लैपटॉप, पावर बैंक, MI बैंड और वाईफाई राउटर जैसी बहुत सारी चीजें बनाती है। और टेक्निकल वर्ल्ड में ली जून के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फोर्ब्स ने 2014 का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया। और मौजूदा समय में ली चाइना के 23वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। बहरहाल जो भी हो, मगर शाओमी कंपनी ने एक मिसाल कायम कर दी है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।